माता वैष्णो देवी जी के मंदिर से दर्शन कर कर जब हम बाहर निकल रहे होते हैं तो राइट साइड में बिल्कुल पास में हनुमान जी का मंदिर है और उसी के पास नीचे की ओर एक रास्ता जाता है शिव गुफा का, जो कि हजारों साल पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि यह गुफा माता वैष्णो देवी जी की गुफा के समकालीन है। प्राचीन समय में सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों को ही मालूम होता, गाँव वासियों को ही मालूम होता था। आम पब्लिक के लिए ये गुफा पहुंच से एक तरह से कह सकते हैं दूर थी। जब वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की स्थापना हुई तो उसके बाद इस तरफ जाने वाले पक्के रास्ते का निर्माण किया गया, जो कि टोटल 99 सीढ़ियां हैं। एक प्राचीन गुफा है, एक अलग आनंद का माहौल है। जब लोग दर्शन के लिए आते हैं तो काफ़ी थक जाते हैं, बहुत कम लोग इस तरफ उतरते हैं नीचे की ओर। बिल्कुल शांत वातावरण है। हम यहाँ पर फ्री समय बैठ सकते हैं, ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। सामने का दृश्य देखने लायक है। गुफा में एक जलधार बहती है और गुफा के अंदर भी शिवलिंग के पास से जल बह रहा है। पिछले कुछ समय में गुफा बंद हो गई थी, एक बड़ा पत्थर गिर गया था। पंडित जी जस्ट आरती कर बाहर निकले ही थे तो एक पत्थर गिर गया और गुफा का द्वार बंद हो गया। भोलेनाथ विराजमान है। बहुत ही पीसफुल और आनंददायक माहौल है। शिव गुफा, जो कि माता वैष्णो देवी की गुफा के समकालीन है और बाद में यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई, जलधारा स्वयं बहती है। ओम नमः शिवाय।